एवरीवन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइल लूप की तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं कभी कभी हमें एक ही स्टेटमेंट को या फिर एक से ज्यादा स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना होता है तो उसके लिए हम वाइल लूप का यूज करते हैं वाइल एक कीवर्ड है पाइथन में तो चलिए देखते हैं कि अगर हमें गीक्सो गीक्स को वन टाइम प्रिंट करना है तो हम सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं लेकिन इन केस अगर हमें गीक्सो गीक्स को फाइव टाइम्स प्रिंट करना है तो फिर हम व्हाइल लूप की हेल्प से फाइव टाइम्स गीक्सो गीक्स को प्रिंट करा सकते हैं तो सबसे पहले इसके लिए हमें काउंटर की नीड होगी काउंटर क्या होता है जब हम हाइड एंड सी खेलते हैं तो उसमें जो सीकर होता है वो 10 तक काउंट करता है तो बाकी प्लेयर्स छुपते हैं तो यहाँ पर हमें काउंटर की नीड पड़ने वाली है जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा कब तक प्रिंट हो गया है तो यहां पर मैंने पूरा कंप्लीट कोड लिख लिया है तो यहाँ पर चलिए हम इसको रन करके देखते हैं तो अब हम देख सकते हैं कि हमारी आउटपुट स्क्रीन पे गीक्स फाइव टाइम्स प्रिंट होकर आ चुका है तो चलिए इस कोड को में समझते हैं तो शुरुआत में हमारा I equals to zero था और हमारी कंडीशन ट्रू हो गई जीरो इज लेस देन फाइव और हमारा पहला घीचा घी स्प्रेंट हो गया और फिर काउंटर से वन इंक्रीज हो गया फिर हमारा वन हो गया और वन फिर हमारी कंडीशन फिर से ट्रू हो गई वन इज लेस देन फाइव और हम फिर हमारा दूसरा प्रिंट हो गया और ऐसे ही फोर तक हमारा हो गया फिर जब फोर से काउंटर वन से इंक्रीज हुआ तो हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया फाइव इज लेस देन फाइव कंडीशन फॉल्स हो गई और हम लूप से एक्ज़िट हो गए तो हमारे ज़ीरो से लेकर फोर तक सारी कंडीशन ट्रू थी लेकिन जब काउंटर फाइव हुआ तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई इसलिए वो लूप से एग्जिट हो गया आई होप आपको समझ में आया